कैसे आपसे मेरा नाम है जोया मनी और आप देख रहे हैं जोया मनी रिएक्शन। और लापरवाही का नतीजा जो आज का चलिए शुरू करते हैं। आज का हम वीडियो जा रहे हैं आपको दिखाने, एवरेज इंडिया वर्सेस एवरेज अमेरिका फुल कंपैरिजन। टॉप फैक्ट चैनल है ये। एंड व्हाट आगे स्टडी के बारे में है भाई, यूएनबी आगे क्या है, आगे तो डॉट डॉट है भाई, डॉट ही लिखा हुआ है। एक मिनट, अच्छा मोबाइल को हटाना पड़ेगा, आज लैपटॉप नहीं है तो बड़ा मसला हो रहा है भाई। एवरेज के आगे क्या है, यू, हाँ ये अनबेस्ट, अनबेस्ट इन हिंदी। तो हम देखने जा रहे हैं, तो पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय द स्टडी एंड स्पेशली वी आल्सो। देखते हैं पहले बिल्कुल बिल्कुल देखें। दोस्तों हमने आज तक बहुत तरीके के कंपैरिजंस देखे हैं, पर वो कभी कंट्रीज के इकोनॉमी तो कभी कंट्रीज और शहरों के डेवलपमेंट का कंपैरिजन होता है। पर आज के इस वीडियो में हम कंट्री का नहीं बल्कि कंट्री में रहने वाले लोगों का कंपैरिजन करेंगे। अमेरिकन्स और इंडियंस के बीच क्या फर्क है, इनकी सैलरी, इनकी फिजिक्स और इनके रहने के तरीके, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स। नंबर वन, इनकम। इंडिया में एवरेज सैलरी पर मंथ 31,900 रुपीस है और साल की एवरेज इनकम 94,954 रुपीस है। यहाँ लोवेस्ट एवरेज सैलरी पर मंथ 8,000 है और हाईएस्ट एवरेज सैलरी 1,43,000 है। पर एक कंफर्टेबल लाइफ इंडिया में जीने के लिए 31,000 पर मंथ एक अच्छी सैलरी मानी जाती है। वहीं अमेरिका का लोवेस्ट एवरेज सैलरी पर मंथ $1,728 है। यहाँ की नॉर्मल एवरेज सैलरी $3,714 है। एवरेज ईयरली सैलरी यूएस में 44 से $49,000 है। लोवेस्ट एवरेज सैलरी $24,000 पर ईयर है और हाईएस्ट एवरेज सैलरी $2,67,000 पर ईयर है। अगर यूएसए में एक कंफर्टेबल लाइफ जीनी है तो ईयरली कम से कम $67,000 की इनकम जरूरी है। नंबर टू, एवरेज लिविंग कॉस्ट। अमेरिका में वन बेडरूम फ्लैट का मंथली रेंट $2,000 से $3,000 होता है। यहाँ चार लोगों की फैमिली का पर मंथ एक्सपेंस यानी प्रति महीना खर्चा रेंट को छोड़कर $4,000 तक होता है और साल में रहने, खाने पीने और बाकी चीजों को मिलाकर खर्चा $77,085 तक होता है। वहीं इंडिया में मामूली वन बेडरूम घर का रेंट प्रति महीने 8,000 से 10,000 के बीच होता है और महीने का खर्चा रेंट छोड़कर $20,000 से $30,000 तक होता है। यहाँ एक फैमिली का साल भर का खर्चा 2,00,000 से 3,80,000 तक होता है। नंबर थ्री, ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा, और अगर मोटापे का कंपैरिजन करें तो अमेरिका का ओबेसिटी रेट 36.20% है, जो इसे वर्ल्ड ओबेसिटी लिस्ट में 12th रैंक देता है। वहीं इंडिया की ओबेसिटी रेट सिर्फ 3.90% है, जिसके कारण इंडिया का इस लिस्ट में रैंक बहुत नीचे यानी 189th पोजीशन पर है। यानी इंडिया में अमेरिका से कम ओवरवेट लोग हैं, यानी ऐसे लोग जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है। नंबर फोर, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा। वैसे तो CO2 एमिशन में अमेरिका सेकंड पोजीशन और इंडिया थर्ड पोजीशन पर है, पर अगर CO2 एमिशन पर कैपिटा देखा जाए यानी एक व्यक्ति के द्वारा एमिट किया गया CO2, तो अमेरिका में एक व्यक्ति साल में 16.5 टन्स ऑफ CO2 एमिशन करता है, जिसके कारण ये CO2 एमिशन पर कैपिटा की वर्ल्ड लिस्ट में 11th रैंक पर है। वहीं इंडिया में CO2 एमिशन पर कैपिटा 1.7 मेट्रिक टन्स है और ये इस लिस्ट में USA से बहुत पीछे 158th रैंक पर है। पर फिर भी दोनों कंट्रीज को अपने बढ़ती पोल्यूशन को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। नंबर फाइव, फर्टिलिटी रेट, यानी एक औरत औसत कितने बच्चों को जन्म देती है। USA का फर्टिलिटी रेट 1.779 बर्थ्स पर वुमेन है, वहीं इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2020 में 2.200 बर्थ्स पर वुमेन है। नंबर सिक्स, एवरेज एज ऑफ मदरहुड। USA में एक एवरेज वुमेन तकरीबन 26.4 ईयर्स की एज में पहली बार माँ बनती है। वहीं इंडिया में एक वुमेन 19 से 20 साल की उम्र में ही पहली बार बच्चे को जन्म दे देती है। नंबर सेवन, एवरेज एज। इसका मतलब कौन सी कंट्री में ज्यादा किस उम्र के लोग रहते हैं, तो अमेरिका की एवरेज एज 38 ईयर्स है, यानी यहाँ ज्यादातर लोग की उम्र 38 ईयर्स है। वहीं
इंडिया में एवरेज एज 29 इयर्स है। नंबर 8, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी यहाँ के लोग कितनी उम्र जीते हैं। इंडिया में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.73 इयर्स है, वहीं अमेरिका की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78.54 इयर्स है। नंबर 9, एवरेज मैरिज एज, यूएसए में एवरेज लोगों की शादी 25 से 30 साल की उम्र में होती है, वहीं इंडिया में शादी की एवरेज एज 18 से 23 साल है। नंबर 10, एवरेज वेट, अमेरिका में एवरेज वेट मेंस का 88 केजी और वुमेन्स का 76.4 केजी है, वहीं इंडिया में एवरेज वजन आदमियों का 65 केजी और औरतों का 55 केजी तक है। नंबर 11, एवरेज हाइट, अगर अब बात हाइट की करें तो इंडिया में एवरेज आदमियों का कद 5.4 फीट है और औरतों का 5 फीट है, वहीं अमेरिका में एवरेज फीमेल हाइट 5.4 फीट है और मेल हाइट 5.9 फीट है। और अब कुछ बातें हैं जो आप सब जानते हैं, जैसे अमेरिका में ज्यादा लोगों का रंग हमसे थोड़ा गोरा होता है, अमेरिका में पार्टीज एंजॉय की जाती है, हम इंडियंस भी अपनी शादियों के ढोल की वजह से काफी मशहूर हैं, अमेरिका में बहुत तरीके के खाने खाए जाते हैं पर उनमें इतने मसालों का इस्तेमाल नहीं होता जितना इंडियंस यूज करते हैं। अमेरिकन्स नेशनल डेज को शिद्दत से सेलिब्रेट करते हैं पर इंडियंस हर फेस्टिवल में पूरी जान लगाकर मजे करते हैं। अमेरिका में ज्यादातर लोग 15 साल की उम्र से जॉब ढूंढने लगते हैं और इंडिया में जॉब करने की एवरेज उम्र 18 साल है। तो ये था एवरेज इंडियंस और अमेरिकन्स में एक कंपैरिजन, नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं। कुछ इसने बताया भाई, देखिए जी बात करते हैं उनकी, देखें जॉब की तो वो 15 साल की उम्र से स्टार्ट एंड से स्टार्ट करते हैं। तुम देखो ना कि बहुत मेहनती है भाई, हर बंदे मेहनती है, लेकिन इंडिया वाले तो भाई किसी से पीछे नहीं है। आउट ऑफ कंट्री में ये एक होता है ना कि वो अपना वन से वन सेकंड भी है ना वो वेस्ट नहीं करते, वो कहते हैं हम लोगों के अंदर पता है क्या है सबसे बड़ी बात, हम जो वेस्ट करते हैं अपने अंदर, चाय बैठ के पीते हैं और वो चाय की गॉसिप में ना इतना लंबा सीन चला जाता है कि हमारे 2-3 घंटे आराम से जाया होते हैं। अभी बता दो ना, एक ना अभी वो हम एक फन था ना, तो वो एक आउट ऑफ कंट्री का होता है, ठीक है, गोरा ना वो हमारे कंट्रीज में आता है, ठीक है, तो वो देखता है कि यार एक रेलवे का फाटक बंद होता है, व्यूअर्स मजाक है, ठीक है, फन कोई रियल नहीं है, वो देखता है रेलवे का फाटक बंद है, तो एक लड़का बाइक पे जा रहा होता है, वो क्या करता है बाइक को उठाता है अपने शोल्डर पे रख के ना फाटक क्रॉस कर देता है, तो वो देखता है अंग्रेज, वाओ यार मतलब ये एशिया के लोग इतने फास्ट है, मतलब एक मिनट भी अपना जाया नहीं करते। थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि वो लड़का कहाँ गया, तो वो आगे जाके वो 1.5 घंटे तक ना बंदर का तमाशा देख रहा होता है, लेकिन एक बात करूँ ना कि हम लोग इतने लेजी हैं कि मतलब उधर जिधर हमने मरना है ना वहां पर भाई हमें वो टेंशन नहीं है कि हम रुक जाएं, हमने वहां मरना ही है और किसी तरीके से भी जान जोखिम में डाल के करना है, लेकिन जब वेला टाइम है वहां बैठ के देखेंगे यार ये क्या हो रहा है तमाशा, जो वेला टाइम होता है उसमें कुछ ना कुछ अंग्रेज है वो करते हैं यार, मतलब अब एवरेज एज आप देखो ना, एवरेज हाइट जो है वो मतलब इंडिया में 5.4 है, ठीक है, मेंस की, और लेडीज जो है वो 5 के अराउंड है, और अगर हम अमेरिका में देखें तो 5'9" के अराउंड, और फीमेल आई थिंक 5'4" 5'8" इसके अराउंड होती है, तो मैं ये देख रहा था यार वहां की एवरेज हाइट का। अच्छा बात करें वेट की, तो वेट है जी मेन का 88 केजी है उसका अमेरिका में और फीमेल्स जो 76 है, मतलब फैटी, क्योंकि यार असल में ना वहाँ पे बर्गर्स बहुत सारे खाए जाते हैं, सिंगल पिज्जे ये चीजें बहुत सारी खाई जाती हैं, ठीक, और इंडिया के अंदर तुम्हें पता है राजमा है, घर की रोटी है, चावल है, जिससे वो लेडीज अपने आप को फिट रखती है, इंडिया का बहुत कम है, लेडीज 60-65 के अराउंड है, मेंस भी इतने अराउंड है, ज्यादातर तो इंडिया में 54 के अराउंड है, फीमेल्स मेंस जो है वो 65 से 70 के अराउंड है, तो मैं ये चीज देख रहा था ये बहुत जबरदस्त चीज है वहाँ पे। और मैरिज एज मैं देख रहा था कि मतलब आउट ऑफ कंट्री में 25 से 30 के अराउंड होती है अमेरिका में, ठीक है, और इंडिया की हम बात करें तो 18 से 20, 21, 22 में उनकी शादी हो जाती है, शादी का तो बिल्कुल यही है। और एज एक्सपेक्टेंसी है वो भी मैं देख रहा था कि मतलब 69 to 73% तक लोग, मतलब वहाँ तो 84 कुछ समथिंग होता है भाई, 84 समथिंग के अराउंड होते हैं और इतना जीते हैं, मतलब जो अमेरिका वगैरह है ना आउट ऑफ कंट्री वो इतना जीते हैं, और जो इंडिया के हैं वो काफी मतलब नॉर्मल लाइफ तक जीते हैं, वो इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि यार आपको पता है कि यहाँ पर जो है ना पता है आउट ऑफ कंट्री की बात ये है ना कि वो जो है ना ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचते नहीं है। अब ये देखो ना कि वो जो मतलब एवरेज एज की बात कर रहे थे, मदरहुड की बात कर रहे थे ना, जो 19 से 20 इयर्स के अराउंड थी इंडिया की ना, और वो तो आई थिंक 25 के अराउंड है ज्यादा, ऐसा ही है कुछ ऐसा ही है। और ऐसा है कि अमेरिका जो है वो, मैं ये कह रही थी कि वो हमसे आगे मतलब अपनी लाइफ को इतना अच्छा कैसे स्पेंड कर रहे हैं वो, इसलिए कि वो ज्यादा टेंशन नहीं लेते, दिमाग बिल्कुल रिलैक्स रखते हैं,
बिल्कुल अपनी लाइफ को इजी वे पे लेके चलते हैं, ना इधर की बात सोचते हैं उधर की, वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक पे जा रहे होते हैं। और यार मैंने ये देखा है कि भाई अपने आप को नीटनेस में बड़ा रखते हैं यार, मतलब हम एशियंस जो है ना, मतलब हम सब व्यूअर्स मतलब बात करें तो सब इंडियंस ही है ना, ठीक है, तो ये तो पार्टीशन के बाद अलग अलग बुल्स बने लेकिन है तो इंडियन ही ना, तो मतलब हम लोग भाई बहुत लेजी हैं, साफ बात है, हम एक छोटे से वर्क के बाद हम थक जाते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि भाई वो एक वर्क के बाद दूसरा वर्क दोबारा स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं जो हमने वर्क किया ना ये लाइक अ प्रैक्टिस है, और जो दोबारा वर्क है वो हमारा वर्क है, जब उसको डन करते हैं तो कहते हैं यार ये भी हमारी प्रैक्टिस है, अब हमारा वर्क है। मॉर्निंग में ऐसे उठते हैं ना बस उसके बाद उनके भाई, हमारी तो मॉर्निंग ही नहीं पता चलती, हमारी तो आफ्टरनून ही होती है, मतलब कितने भी लोग हैं। बेडरूम की बात करते हैं पर मंथली जो रेंट हो रहा है उसका इंडिया में 8 से 10 हजार जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद भी अगर देखे अगर वहां पर 30 से 40 हजार कोई लड़का अगर इंडिया में कमाता है तो उसका घर भाई खुशहाल है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो अमेरिका में अगर 67 पर ईयर वो बात कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि 6,000 डॉलर्स पर अगर मंथ अगर कोई बंदा वहां कमाता है तो वो बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकता है अमेरिका के अंदर, और साल में पता नहीं कितना, इंडिया में तो साल में 1 लाख इन समथिंग उनका खर्चा होता है ना, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा ही है। सो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो, अगर पसंद है लाइक कर शेयर करो, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करो, सब्सक्राइब करो लाइक कर शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ख्याल रखिएगा हम दोनों की चीज़ें।